मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके हिसाब से एक हेल्दी पर्सन कौन है, तो आप सबका जवाब होगा कि हेल्दी पर्सन वो है जिसको कोई बीमारी नहीं हो, हेल्दी पर्सन वो है जो दवाइयां ना खाता हो। बिल्कुल करेक्ट, आप सब लोग सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हेल्दी पर्सन वो है जो पूरे दिन काम करता है और उसका पेनलेस बॉडी होता है, पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल जो है वो अप टू मार्क रहता है, उसको हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में जिंदगी ऐसी हो गई है, तकरीबन 50% इंडियंस आज ऐसे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं बॉडी में किसी न किसी पार्ट में पेन है, और स्पेशली अगर वो थोड़े एज के हैं, 50 एंड एबव है, तब तो उनको बहुत ही ज्यादा पेन है। आज हम इसी कुछ पेन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पेन जो बड़ा ही कॉमन है वो है बैक का पेन, और बैक की प्रॉब्लम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कि सियाटिका की प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी बड़ी रेडिएटिंग पेन की प्रॉब्लम है जो कि आपके कमर से निकलकर आपके पांव के अंगूठे तक जाता है, और वो कांस्टेंट पेन होता है। और ऐसी पेन होती है जिसमें कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते, इतनी क्रिटिकल कंडीशन कई बार लोगों की हो जाती है। तो आज मैं इसी सियाटिका पेन के बारे में आप सब लोगों से बात करने वाली हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं प्रीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। ये जो सियाटिक नर्व है, ये 5 नर्व रूट से मिलकर बना हुआ था। तो ये 5 रूट में 3 रूट जो है वो हमारे लुम्बार एरिया से, यानी कि हमारे रीढ़ के हड्डी से निकलकर होती है, इसलिए इनको लुम्बार रूट्स कहते हैं, और 2 जो सैक्रल एरिया से निकलती है तो उनको सैक्रल रूट्स कहते हैं। और ये 5 नर्व जो हैं वो मिलकर ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में वो सियाटिक नर्व को बनाते हैं। और ये जो सियाटिक नर्व होता है वो हमारे लेफ्ट एंड राइट लेग्स को नर्व का सप्लाई करता है। जो ये सियाटिक नर्व होता है, इस नर्व में चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, किसी भी लेग में अगर हो, उसमें अगर कोई पेन होता है तो उसी को हम सियाटिका पेन कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये सियाटिका जो पेन होती है उसके पेन होने के कारण क्या क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो हमारे सियाटिक नर्व है, सियाटिक नर्व में इन्फ्लेमेशन आ जाए, इरिटेशन आ जाए, पिंचिंग आ जाए या कंप्रेशन आ जाए, इनमें से कोई भी अगर कारण होगा तो हमारे सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से पेन होगा। अगर लोअर बैक की इंजरी हो जाए, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी तरह की इंजरी आ गई, उस पे किसी तरह का प्रेशर आ गया, या हमारा सर्वाइकल नर्व जो है वो सर्वाइकल नर्व से या वर्टेब्रेट पे किसी तरह का प्रेशर आ गया, या फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से सियाटिक नर्व पे प्रेशर आ जाता है। दूसरा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कि हम हर्निएटेड स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम भी कहते हैं, जिसमें कि आपके लोअर बैक में किसी तरह की इंजरी आ जाती है। इनकी हड्डी में जो 2 वर्टेब्रेट होती है उसके बीच का जो एक एरिया होता है, उस एरिया में अगर वो थोड़ा खिसक गया या उस एरिया के ऊपर कोई दबाव आ रहा है, इंजरी हो गई, झटका लगा जिसकी वजह से उसमें कोई प्रेशर आया, देन जो ये 2 वर्टेब्रेट एक दूसरे के ऊपर होते हैं उसके अंदर अगर कुशनिंग चली जाती है तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं या थोड़े से नुकीले हो जाते हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है कि उस नर्व पे प्रेशर पड़ता है, वो नर्व फिर नीचे सियाटिका नर्व को दबाने लगता है। तीसरा कारण हो सकता है स्पाइनल स्टेनोसिस की, इसमें क्या होता है कि जो सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जो पीठ के रीढ़ के हड्डी के बीच का एरिया होता है जहां से सारे नर्व्स गुजरते हैं, उस नर्व के जगह पे उसमें मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं या घिस जाती हैं, जहां पे कि वो किसी नस या नर्व को दबाती हैं, वो नर्व फिर सियाटिका नर्व को दबाती हैं। एजिंग एक बहुत बड़ा कारण है, ऑब्वियसली लेडीजों में अगर मैं बात करूं, वैसे टाइम में उनका, क्योंकि मेनोपॉज की वजह से उनकी में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है, कैल्शियम ज्यादा फ्लश आउट होता है, हड्डियां कमजोर ज्यादा होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। वेट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें मोस्टली जो सियाटिका की प्रॉब्लम होती है वो या तो खिंचाव से होती है या दबाव से होती है। मान लीजिए अगर खिंचाव बहुत ज्यादा है तब भी आपको असहनीय पेन हो सकता है, या दबाव बहुत ज्यादा है, वो दबा रहा है नस को तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी आपके पैर में, पूरे पांव में। एक और कारण होता है जिसमें कि कोर मसल्स हमारे स्ट्रांग नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टमक का एरिया होता है, ये एरिया जो है हमारा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है तो ऐसे टाइम में हमारे बैक को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि हमारे चेस्ट को सपोर्ट देने के लिए रिब्स तो होते हैं, पूरा रिब केज होता है, लेकिन हमारे स्टमक को सपोर्ट देने के लिए एज सच इस तरह का कोई केज नहीं बना होता, जिसकी वजह से अगर आपके बॉडी में कोई भी तरह का वियर टियर या कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो असर फिर आपके बैक पे भी आता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम क्यों हो गई, आपकी कोर मसल्स जो है वो वीक है। बहुत सारे लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम जो होती है या सियाटिका या लोअर बैक की जो प्रॉब्लम होती है उसमें कोर मसल्स का स्ट्रांग नहीं होना बहुत बड़ा कारण होता है। झटके से आप उठते हैं, झटके से आप बैठते हैं, उठने बैठने का पॉस्चर जिसको कहते हैं वो पॉस्चर अगर सही नहीं होता तो आप जान लीजिए कि नर्व से रिलेटेड ज्यादातर स्पेशली बैक से लेकर आपके पांव के अंगूठे तक जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो रिलेटेड सारी की सारी आपके पोस्चर से।
एक और कारण होता है जिसको कि हम पिरिफोरिस सिंड्रोम कहते हैं, थाई रीजन से स्टार्ट होती है और सियाटिक नर्व के बीच से होते हुए गुजरती है। जब इसके ऊपर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई झटका लगता है या कोई प्रेशर लगता है या कोई वजन गिरता है या इंजरी होती है, तब वो आपके सियाटिक नर्व को दबाना शुरू करती है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि शुगर जब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो वो आपके नर्व को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और जब नर्व आपके वीकेंड होने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो दबने लगते हैं। जो नर्व का एक नली है, वो नली को आप दबाते जाए तो धीरे धीरे वो चिपकने लगता है। जब चिपकने लगता है तो फिर क्या होता है, इस तरह का वो फ्लैटनेस ले लेता है। जब ये फ्लैटनेस लेता है तो ब्लड का फ्लो जो है बॉडी के प्रॉपर पार्ट्स में नहीं पहुंचता, और जब बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचता तो धीरे धीरे उस एरिया के जो मसल्स हैं, जो मान लीजिए कि ये फ्लैट हो गया और इस एरिया कमर के एरिया का ये मसल्स है, ये मसल्स इसके ऊपर आकर धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है, इसको और ज्यादा पुश करना और दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कि सियाटिका की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि हमारे आगे का जो ये पार्ट है वो पार्ट काफी ज्यादा आगे हो जाता है, जिसकी वजह से बैक का आर्क जो है हमारा वो ज्यादा आर्क हो जाता है, जिस वजह से सारे जो नर्व है नसों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मैंने कारणों को इसलिए डिस्क्राइब किया कि आप ये देख पाएंगे कि इनमें से कौन सा कारण है जो एक्चुअल में आप फेस कर रहे हैं। तो सियाटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहा जाता है कि पूरी तरीके से कभी भी आपके बॉडी से नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आज जो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाली हूं, इसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को पेनलेस, बहुत आसानी से इजीली अपनी जिंदगी को आप निकाल सकते हैं। इसका इलाज एक क्या सर्जरी भी है, लेकिन सर्जरी के बाद भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपको सियाटिका से निजात चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले 3-4 जो मुख्य चीजें हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। ऑब्वियसली खान पान इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा खाना चाहिए, आपको कैल्शियम विटामिन डी लेना चाहिए, आधे घंटे कम से कम हर रोज धूप की सिकाई करनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए। ये सारी चीजें तो हैं जो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता है, जो कि नर्व को और हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से उठते और बैठते हैं तो ध्यान दीजिए कि जब आप नीचे से कोई भी चीज उठाना हो तो डायरेक्टली आप ऐसे झुक कर कोई भी सामान ना उठाए। आपको सामान नीचे से उठाना है तो पहले आप घुटने के बल नीचे जमीन में बैठे, फिर सामान को उठाएं, फिर आप सही तरीके से बैठें और खड़े हों। ऊंची हील की अगर आप सैंडल पहनते हैं तो ना पहने, बहुत लंबे समय तक खड़े ना रहें, बहुत लंबे समय तक बैठे नहीं, बहुत लंबे समय तक लेटे नहीं। अगर आप बैठे हुए हैं तो हर आधे घंटे में 3-4 मिनट आप चहलकदमी करें। उसके साथ साथ आपको एक्यूप्रेशर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्यूप्रेशर करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी और पेनलेस रहेगा। तो बैठे बैठे हर रोज सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट आपको यहाँ पे 10 बार दबाइए, यहाँ पे 10 बार दबाइए, यहाँ पे 10 बार दबाइए। ये तीनों जॉइंट्स हैं, ये तीनों जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, इन तीनों जॉइंट्स पे आपको 10-10 बार दबाइए, और सुबह को दबाइए और शाम को भी दबाइए। सिमिलर इस दो उंगली में राइट साइड में भी सेम आपको तीनों जगह पे दबाना है। और आपको एक और चीज करनी है, आपको इन दोनों उंगलियों को पकड़ना है इस तरह से। आप देखें, ये हाथ को पहले फैलाएं, इन दोनों उंगलियों को पकड़े और इसको पीछे की तरफ लेकर जाएं। जितना देर आप रुक सकते हैं रुकें, फिर इसको वापस लाएं। ऐसे 3-3 बार आपको दोनों हाथों में करना। एक्सरसाइज मैंने अपने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगी, उस वीडियो का आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्सरसाइज क्या करना है। ऐसा एक्सरसाइज करना है जिसमें आपका कोर मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, और ऐसा एक्सरसाइज करना है जिसमें कि आपके अंगूठा जो टो है उसको खिंचाव मिले। मैं ये नहीं कहती कि 100% आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि 99% तो जरूर ठीक हो जाएगा। तो आज भी मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक तो एक्यूप्रेशर करना है, दूसरा एक्सरसाइज करना है, तीसरा गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल करके सुबह और शाम सिकाई करनी है, फिर आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप का पेन खींचने वाला एक ऑयल बताने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ, वो ऑयल से मसाज करना है आपको, और एक आज मैं आपको दूध बनाकर बताने वाली हूँ, वो दूध हर रोज आपको रात में सोने से आधे घंटे पहले पीना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। पहले मैं आपको ऑयल का बता देती हूँ कि ऑयल के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको चाहिए 25 ग्राम कर्पूर का पाउडर, पीपली का पाउडर हमें चाहिए 50 ग्राम, 20-25 स्ट्रैंड हमें चाहिए केसर के, 25 ग्राम ही हमें चाहिए जायफल का पाउडर, 100 ग्राम हमें चाहिए अदरक,
आपको क्या करना है कि इस अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक का एक कप आपको चाहिए महानारायण ऑयल। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे उपाय पे। तो मिल्क आपको लेना, या तो बादाम का दूध लेना है या सफेद तिल का दूध लेना है। उसको बनाना कैसे है ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देखिए और उस हिसाब से ये दूध बनाइए। आज मैंने ये जो दूध है वो तिल का दूध है। आपको 1/4 चम्मच चाहिए सौंठ, 1/4 चम्मच ही चाहिए हमें हल्दी, 1/4 चम्मच ही हमें चाहिए दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच ही चाहिए हमें हरड़ का पाउडर, 1/2 चम्मच चाहिए हमें काऊ का देसी घी और छोटा सा टुकड़ा गुड़। तो चलिए अभी हम फटाफट आपको बताते हैं कि ऑयल कैसे बनाना है और इस दूध को कैसे बनाना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो गैस को पर एक पैन रखना है, जो 1 कप महानारायण ऑयल है ये हमने डाल देना है। डालकर अभी इसको गर्म होने देना है। ये सैफ्रॉन है और ये अदरक का रस है, इनको मिक्स कर लेना है इसमें अच्छी तरीके से। हल्का सा गर्म हो गया तब इसके अंदर में ये जायफल और पीपली डाल देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब हल्का हल्का तेल जो है वो गर्म भी हो गया है। फिर इसके अंदर जो ये घोल हमने बनाया है अदरक सैफ्रॉन और कपूर का, वो इसके अंदर अब डाल देना है। याद रखिएगा कि अदरक में घोल कर ही इनको डालना है। एक बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद हमें इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आप इसको छान लीजिए और छान करके किसी भी ग्लास जार में भर के रख लीजिए। तो दूध हम बना लेते हैं। तो दूध के लिए भी आपको एक पैन इसी तरह से गैस पे रखना है और इसके अंदर ये जो मिल्क है ये मैंने जैसे सफेद तिल का मिल्क बनाया हुआ है ये आपको इसके अंदर डाल देना है। अब इस दूध को हमें एक बॉयल आने देना है पहले। अब ये दूध बॉयल हो गया तो इसके अंदर डालेंगे ये 1/2 चम्मच काऊ का घी, 1/4 चम्मच दालचीनी, 1/4 चम्मच ही सौंठ, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जो है वो हरर का और ये टुकड़ा गुड़ का। इसको ग्लास में डालकर सोने से आधे घंटे पहले सिप सिप करके पीना है। तो ये हो गया आपके सियाटिका को खत्म करने का 2 अच्छा उपाय। उपाय अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके सियाटिका के दर्द की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप एकदम हेल्दी और फिट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विपणिता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए और आपके आसपास जिन लोगों को भी ये तकलीफ है प्लीज 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 उनको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर आप करते हैं तो बहुत सारे लोग जो तकलीफ में है वो इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप सब हमेशा यूं ही प्यार देते रहिए, मैं आप सब के लिए यूं ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।